Hello students, this is the fourth lecture and today we are going to solve the numericals on speed, average, velocity. So let us start from example 8.1 given in the textbook. So first read it out the question. Har question ka answer question mein hi rehta hai. So if you are able to derive the formulas correctly, if you are able to write the given data correctly, then and then you will be able to solve the न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट वन, यहाँ पे मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि एक फॉर्मूला हमारे पास अभी तक के लिए कॉन्स्टेंट है. तो v क्या होता है? v आप कह सकते हो स्पीड या फिर वेलोसिटी. क्लियर? सो स्पीड और वेलोसिटी. नाउ s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन टी इज इक्वल्स टू टाइम टेकन. तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है. अगर हमें एवरेज स्पीड दिया है, इफ यहाँ पे एवरेज स्पीड है, तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल हो जाता है. टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लिखते हैं. क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर? तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. जब तक वहाँ पे पहुँचते नहीं तब तक ये रहने दो, आपको पता रहेगा. इट विल बी गुड फॉर अस, इट विल बी इजी फॉर अस. क्लियर? सो नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर. देखो गिवन डेटा में जो जो हमारे काम की चीज़ें वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले 16 मीटर चला, कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स. फिर थोड़ी उसने स्पीड इंक्रीज की कि अगेन 60 मीटर थोड़ा जल्दी चला, तो टाइम कितना लगा? ओनली 2 सेकेंड्स. आपको क्या फाइंड करना है? गिवन डेटा. आपको क्या फाइंड करना है? गिवन डेटा. लेकिन सॉरी, एवरेज स्पीड करनी है, लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या होता है? गिवन डेटा लिखना. तो व्हाट इज गिवन डेटा? तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है. कितने डिस्टेंस है? 2 डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस को तो हम एस से इंडिकेट करते हैं. तो जब 2 डिस्टेंस आते हैं तो उसे इंडिकेट करेंगे बाय S1 एंड S2. तो हमारा S1 कितना है? 16 मीटर. S2 कितना है? 16 मीटर. हमारा T1 कितना है? टाइम. T1 इज 4 सेकेंड और दूसरा टाइम जो दिया है दैट विल बी इक्वल टू T2 दैट इज 2 सेकेंड्स. तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब ज्यादा डिस्टेंस दी है तो S ही सिंबल है, तो S1, S2, S3 ऐसा यूज कर सकते हो. टाइम के लिए T1, T2, T3 ऐसा यूज कर सकते हैं बेटा. तो यहां पे हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन. तो यहां पे अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? S, एंड दैट इज S1 प्लस S2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 32 मीटर. तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 32. व्हाट इज टोटल टाइम? T1 प्लस T2. तो इसी तरीके से T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 करके टोटल टाइम फाइंड करो. That is 4 plus 2 and that is equals to 6. So 32 by 6 जो हमारा आंसर आया, that is the average speed. 32 by 6. So 32 और 6 से कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16 by 3 meter per second. अगर हम उसको decimal में convert करना चाहे, then that will be equals to 5.33 meter per second. 5.33 meter per second. So this is the average speed, 5.33 meter per second of an object. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें लिखनी है. आपको ये सारी चीजें कि जैसे हमने s find किया वैसे ही t find करना है. कि suppose total time is equals to t and t is equals to t1 plus t2 करके ये लिखना है. suppose total distance is equal to s, so s is equals to s1 plus s2 करके ये जैसे हमने दिखाया वैसे आपको करना है बेटा. तो साथ साथ लिखते जाओ, नहीं लिखा है तो थोड़ा पॉज करो, लिख लो. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. तो ये स्टार्ट करें उससे पहले ये लिख लेना. देखो हम रीड कर रहे हैं द ओडोमीटर ऑफ द कार. ओडोमीटर यानी हमारा जो कार या बाइक होता है उसके नीचे जो किलोमीटर मेजर करता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं. तो वो किलोमीटर हमें दिखा रहा है और उसमें कितने किलोमीटर दिख रहे हैं बेटा? 2000 किलोमीटर. मतलब अभी तो हमने बाइक शुरू ही नहीं की है, लेकिन आगे तो कभी ना कभी तो यूज की होगी. तो वही रीडिंग दिखा रहा है. कितना दिखा रहा है? 2000 किलोमीटर. जो दैट इज 2000 किलोमीटर. कितना दिखा रहा है बेटा? देखो यहां पे, सो इट इज 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप.
ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ए ट्रिप। तो हमने यहाँ पे घूमा, घूमा यानी ट्रिप, तो स्टार्ट किया था जब 2000 था, वापस हम जब हम घर लौटे तो 2400 किलोमीटर था, जब हमने बाइक निकाली तब 2000 दिखा रहा था या कार निकाली तब, हम वापस घूम के आए तो कितना दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो सोचो हमने कितना घूमा होगा, हम कितना घूम के आए, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस मत कर देना कि टोटल है 4400 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। ये ओडोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है दैट एट द स्टार्ट ऑफ ए कार द ओडोमीटर शोज 2000। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ओडोमीटर में रीडिंग इंक्रीज होगा कि जैसे एक किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 2001 किलोमीटर, देन 2002 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होगा तो 2100 किलोमीटर, वापस घूम के यहाँ पे आए तो रीडिंग कितना दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वेरी गुड। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं ऐसे माइनस कर दो लास्ट ट्रिप का रीडिंग माइनस फर्स्ट ट्रिप जब स्टार्ट किया था तब, तो कितना हुआ 400 किलोमीटर, कितना हुआ बेटा 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस तो मिल गया, चलो 400। नाउ आगे बढ़ते क्वेश्चन रीड करते, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, आवर्स किसका यूनिट है टाइम का, तो टाइम दिया है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या है बेटा हमारा गिवन डेटा, यहाँ पे ऐसे गिवन डेटा करके आपको हर बार चीजें लिखनी है कि हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस एंड एस इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 2000 दैट इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर, क्लियर। नाउ टाइम, टाइम हमें दिया हुआ है बेटा वो तो सिंपल है, टाइम टी अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, क्लियर। अभी हमें फाइंड करनी है स्पीड, अभी हमें क्या फाइंड करना है बेटा, स्पीड फाइंड करना है, कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो दे ही रखा है तो एवरेज स्पीड फाइंड करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एस अपॉन टी एंड दैट इज इक्वल्स टू एस कितना है 400 किलोमीटर एंड टी कितना है, तो टी है हमारे पास 8 आवर्स। सो ये हमें आंसर मिल जाएगा बेटा, that is equals to 8 ones are 8 5s are 40, पीछे का 0 that is 50 किलोमीटर पर आर, कितना मिलेगा 50 किलोमीटर पर आर। तो ये मिल गया हमें एवरेज स्पीड, बट द अनदर थिंग इज हमें उसको मीटर पर सेकेंड में भी ढूंढना है, ये तो हमें किलोमीटर पर आर में मिला है, तो हमें मीटर पर सेकेंड, देखो ये किलोमीटर पर आर लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर डिवाइड बाय आर, इसीलिए क्योंकि ये डिविजन में है, तो इसको जब आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 400 को 1000 से और 8 को 3600 से, तो 400 को 1000 से एंड डिवाइड बाय 8 को 3600 से, अगर आप यहां पे कर रहे हो तो ठीक है, वरना डायरेक्टली यहीं पे करना चाहिए, वरना डायरेक्टली 50 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने ऊपर पहले क्यों किया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप 3600 डायरेक्टली 50 से मल्टीप्लाई ना करो, ये 50 है तो 50 का मतलब क्या होगा, 50/1 होगा ना, तो 50 × 1000 एंड 1/3600। तो इसी तरीके से ताकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े, देख लेते हैं क्या हो जाएगा अगर उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 50 × 1000/3600, तो 00 हम कट करना चाहेंगे, सो इट इज इक्वल्स टू 0000, कट कर दिया, यहाँ पे 2 से कट हो सकता है, सो 236 से अगर हम 2 को कट करेंगे तो कितना बचेगा 18, 225 अगेन यहाँ पे 2 से कट कर सकते हैं 295 सो 25 × 5 दैट इज 125 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। अगर उसको डेसिमल में लेना चाहो बेटा, अगर उसको डेसिमल में ढूंढना चाहो तो 125 डिवाइड बाई 9 करो तो आपको आंसर मिलेगा 1 3635 दैट इज 13.80 दैट इज
13.8 मीटर पर सेकेंड। एक और डेसिमल पॉइंट लगा लेना, मैंने ओरली किया है, चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इट विल बी 13.8 मीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक इट विल बी 13.8 मीटर पर सेकेंड। 80 से 7 80, क्लियर। सो इट विल बी 13.8888888, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर। सो इट विल बी 13.8 मीटर पर सेकेंड। 13.8888 चलेगा तो राउंड फिगर करोगे तो हो जाएगा 13.89 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो तो वो हमारा हो गया। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम जब भी अगर किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहे बेटा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। तो एक और मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। हमें अगर कोई भी किलोमीटर पर आर में स्पीड दी है, अगर हमें कोई भी किलोमीटर पर आर में स्पीड दी है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट 8 किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे, 8 इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 3600। मतलब हर बार आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये वाली चीज से, इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई 3600। तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1000 डिवाइड बाई 3600, 0000 कट, 10 बाई 36, सो इट इज 5 बाई 18। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, तो ये क्या बचा, 5 बाई 18। तो आप डायरेक्टली 5 बाई 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये इजी हो जाएगा कि आपको हर बार 1000 बाई 3600 नहीं करना है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 5 बाई 18। तो 8 2 4 2 9, तो ये सिंपल हो गया, 4 इंटू 5 20 बाई 9। क्लियर। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 अपॉन 18 से। तो इतना हमें याद रहना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 अपॉन 18 से। समझ में आया। तो एक चीज आप ये कर ही सकते हो बेटा, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नाउ अगेन एक और एक बार ट्राई करो बेटा। 5 अपॉन 18 है, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आर है, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो मीटर पर सेकेंड में, क्या हो जाएगा, 9 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 अपॉन 3600 से। तो उससे करने की जरूरत नहीं है, आप किससे कर सकते हो, 5 अपॉन 18 से। चलो जल्दी से ट्राई करो। चलो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 9 1 9 2, सो इट इज 5 अपॉन 2, एंड 5 अपॉन 2 इज नोन एज 2.5 मीटर पर सेकेंड। 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलो एक और जल्दी से। सो नाउ आई हैव 20 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20 इंटू 5 बाई 18, 2 से कट कर सकते, 2 10 2 9, 10 इंटू 5, दैट इज 50 अपॉन 9, दैट इज 5.55 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5.55 मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रहना चाहिए इतना। अगर उसका ऑपोजिट दिया है, अगर इसका ऑपोजिट दिया है, आपको आंसर मिल रहा है मीटर पर सेकेंड में और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, अगर आपको आंसर दिया है दैट आई हैव 5 मीटर पर सेकेंड एंड कन्वर्ट इट इंटू किलोमीटर पर आर, हमें किसमें आंसर चाहिए, किलोमीटर पर आर में, तो उसका ऑपोजिट करेंगे। जब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, देन वी वर मल्टीप्लाइंग बाय 1000 डिवाइडिंग बाय 3600। इफ आई वांट टू गो 5 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आर, देन आई विल मल्टीप्लाई 5 विद 3600 एंड डिवाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 1000। तो हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3600 बाय 1000, सो 00 कट, सो इट इज 18 बाय 5। तो उसका ऑपोजिट ही होगा ना, 5 बाई 18 से 18 बाई 5, तो उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे अगर मुझे इससे करना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, 5 को मल्टीप्लाई करूँगा विथ 18 बाई 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 5, तो 5 कट, इट इज 18 किलोमीटर पर आर। क्लियर। तो ये कितना हुआ, 18 आंसर आया। समझ में आ रहा है बेटा इतना। अगेन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। I have 25 meter per second. तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 18 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 5, सो 18 इंटू 5, दैट इज 90 किलोमीटर पर आर, 90 किलोमीटर पर आर। तो इतनी चीज़ें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए।
सो दिस वेज कि अगर हम मीटर पर सेकेंड में से किलोमीटर पर आर में जा रहे हैं तो 18/5, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड देन 5/18, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो इससे भी आप कर सकते हो 50 × 5/18, तो आपको आंसर तो वही मिलने वाला है 50 × 5/18, तो आपको आंसर तो वही मिलने वाला है। थोड़ा सा कटिंग वटिंग करना थोड़ा कम हो जाएगा, क्लियर। सो नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल की तरफ हम मूव होते बेटा, दैट उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल, ये कितना पुल है लंबा 90 मीटर, एक स्विमिंग पूल है और उसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर। तो सपोज उषा यहां से स्टार्ट करती है, उषा स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड सी कवर्स 180 मीटर 180 मीटर इन 1 मिनट, तो 180 मीटर की ये तो 90 मीटर ही लंबा है, तो 180 मीटर कैसे गए कि उषा यहां से जा रहे यहां पे गए और वापस वहां से यू टर्न लेके वापस इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में यहां पहुंच गए, तो जाने का 90 आने का 90, ठीक है। सो 90 + 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 मीटर, तो वही दिया हुआ है दैट सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक डाउन बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलोंग ए स्ट्रेट सेम पाथ, क्लियर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस करना है कि भाई स्विमिंग पूल का यहाँ पे फिगर बना दिया, यहाँ पे गए वापस आए, तो यहाँ पे उषा थे जाके वापस आए, तो हमें लिखना है गिवन डेटा, क्या करना है बेटा गिवन डेटा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इज 180 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उषा का, दैट उषा हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन एंड अगेन बैक टू द सेम पोजीशन, तो एक जगह पे गए वापस उसी जगह पे आ गए, सो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। और अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन देन देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर, कि यहां पे चेंज इन पोजीशन कुछ हो ही नहीं रहा है, इवन इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 मीटर। नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 1 मिनट, बट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर, तो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, इतना पता होना चाहिए बेटा हमें कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स होते हैं, सो टाइम इज 1 मिनट एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्यों मैंने मिनट की जगह सेकेंड्स में लिखा, क्योंकि मुझे यूनिट चाहिए मीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर मिनट। यू कैन राइट मीटर पर मिनट बट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो हो सके तब तक हम स्टैंडर्ड यूनिट लिखना ट्राई करेंगे। सो द स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 180, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिवाइड बाय 60, 0 0 कट, 6 1 6 3 जा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी हुई बेटा, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो स्पीड कितनी आई हमें 3 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 180 by 60, दैट इज 0 0 कट हुआ, 6 1 6 3 18, सो दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ढूंढ लेते बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0, व्हाट इज टाइम 60 सेकेंड्स, बट 0 बाय एनीथिंग दैट विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा वेलोसिटी क्या हुआ बेटा, तो वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज देर इज नो चेंज इन पोजिशन, पोजिशन ही चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, एंड इफ देर इज 0 displacement देन द वेलोसिटी विल ऑल्सो बी 0, क्लियर। तो उषा का स्पीड हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, बट द वेलोसिटी ऑफ उषा इज 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी हमेशा हम जो स्पीड निकाल रहे हो, स्पीड कौन सी है बेटा, तो ये स्पीड है एवरेज स्पीड, एज वेल एज द वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज वी आर टेकिंग द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो जब टोटल की बात आती है तो टोटल में हमेशा हम एवरेज ही निकालते हैं बेटा,
तो उतनी चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल किए, कहीं पे भी देख लो। एक सिंपल सा जो हमने ट्रिक किया है यहाँ पे किस में किया है, किलोमीटर पर आर एंड मीटर पर सेकेंड में से। तो जब आप भी किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकेंड में जाना है, देन यू टू मल्टीप्लाई 5/18। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर, देन यू टू मल्टीप्लाई बाई 18/5। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी किलोमीटर पर आर में जितनी वैल्यू होगी उसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 50, तो उससे मीटर पर सेकेंड में कम ही आएगा। मीटर पर सेकेंड में से किलोमीटर पर आर में जाओगे तो उससे वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया? इफ यू आर कन्वर्टिंग 5 m/s इंटू किलोमीटर पर आर, देन इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 5। इफ यू आर कन्वर्टिंग 20 km/h इंटू मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी ऑलवेज लेस देन 20। तो आपको उतना याद रखना ही है कि भाई मीटर पर सेकेंड में जितनी वैल्यू होती है उसी को अगर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करते हो, देन इट विल बी अ बिगर वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू बन जाएगा। अगर किलोमीटर पर आर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो छोटा वैल्यू हो जाएगा। किलोमीटर बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ा हो जाएगा, मीटर छोटा है तो वैल्यू भी छोटा हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड में से किलोमीटर पर आर में जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर? वैसे होती दोनों इक्वली है, लेकिन यूनिट चेंज हुआ तो चेंज होगा, अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा मास केजी में है, हम मेजर करते हैं फॉर एग्जाम्पल 65 kg, अगर उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो देट विल बी ए बिगर वैल्यू, 65,000 ग्राम। समझ में आया? तो अगर उसको मैं केजी में कन्वर्ट कर दूंगा तो इट इज ओनली 65, बट इन ग्राम इट इज 65,000 ग्राम। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड में लेंगे तो बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू मिलेगा, लेकिन किलोमीटर में लेंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, इट विल बी ऑपोजिट। क्लियर? किलोमीटर में लेते तो 50 मिलता है, मीटर पर सेकंड में लेते तो 13.89 मिलता है, तो इट इज़ ऑब्वियसली एक थर्ड से भी कम है, सो इट इज़ इट इज़ लेस देन वन थर्ड। तो उतनी चीज़ें हम छोटी बहुत चीज़ें वो याद रखेंगे। नाउ व्हाट इफ द वेलोसिटी चेंजेस, इफ द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। कि जनरली अगर हम देखते हैं कि भाई हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते चलाते भाई अगर वहाँ पे आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, इफ़ द रोड इज स्मूथ, देन वी विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बाइक। इफ यू आर ऑन द हाईवे, देन वी विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बाइक, एंड एज वेल एज द वी विल इंक्रीज वेलोसिटी। इफ द स्पीड इंक्रीजेज, जनरली वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो देर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, देर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। हम बाइक में वो लीवर बोलते हैं, कार पे भी लीवर बोलते हैं, है ना, कार में लीवर बोलते हैं, बाइक में लीवर बोलते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटर। वाई? बिकॉज इट इज बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। जब भी कोई स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, इट मीन्स स्पीड में चेंज होता है, देन दैट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, दैट नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, स्पेलिंग सही होना चाहिए। सो चेंज इन द चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, द चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट जब भी वर्ड आता है ना, कहीं पे भी वर्ड रेट RATE रेट वर्ड आता है, देन इट मीन्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्टेंस, इट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट जब भी वर्ड आता है, इट मीन्स इट इज ऑलवेज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ऑलवेज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट जब वर्ड यूज आता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। तो रेट वेलोसिटी का हमें चाहिए कि वेलोसिटी एंड स्पीड कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम में चेंज हुआ तो स्पीड में क्या चेंज हुआ, उसे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, बट एज कम्पेयर टू द टाइम स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं, दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, इज नोन एज एक्सेलरेशन। समझ में आया? जनरली यहाँ पे हम स्पीड वर्ड यूज नहीं करते, इट इज ओनली वेलोसिटी, बट हमें याद रखना है दैट एज एंड वेन द स्पीड चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस, एज एंड वेन द स्पीड चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस। तो आपको होमवर्क है कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल किए वो सारे कर लेने हैं। इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड है एज पर दी स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उतने सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। क्लियर? नाउ एक और सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर यू, दैट
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी एंड स्पीड सेम हो? इज इट पॉसिबल दैट एट एनी इंस्टेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कब ऐसा पॉसिबल है उसके बारे में आपको एक नोट लिखनी है. यू हैव टू राइट ए नोट ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी. न्यूमेरिकल्स तो करनी ही करनी है. यू हैव टू राइट द नोट ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी दैट व्हेन इट इज पॉसिबल दैट स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. व्हेन इट इज पॉसिबल दैट स्पीड इज हायर देन द वेलोसिटी. व्हेन इट इज पॉसिबल दैट वेलोसिटी इज हायर देन द स्पीड. ऐसा कब होगा जब दोनों इक्वल होंगे? ऐसा कब होगा जब स्पीड ज्यादा वेलोसिटी कम है? ऐसा कब होगा जब वेलोसिटी ज्यादा और स्पीड कम है? सो व्हाट आर दिस थ्री पॉसिबिलिटीज? कैसा मोशन होगा? आप सोचो कि बाइक में जा रहे हो, स्ट्रेट पाथ है, सर्कुलर पाथ है, कौन सा पाथ है? एक्सेलरेशन भी मैंने समझा दिया कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन बोलेंगे, अगर डिक्रीज होंगी तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं. लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन ये कब हो सकता है? जब दोनों इक्वल हो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड ज्यादा हो वेलोसिटी कम हो, या तो फिर वेलोसिटी ज्यादा और स्पीड कम हो. तो तीन चीजें अलग अलग हैं और वो कब हो सकता है? यू हैव टू राइट ए नोट ऑन दैट. क्लियर? थैंक यू बेटा.